ब्लॉग करते हुए जा रहा था आप लोग की वीडियो बनाते हुए, और मैं बस थोड़ी दूर रहा था कि बंदा मुझे देखने में आ रहा, फिर ये रोड क्रॉस कर रहा था। आप देख सकते हैं ये मुझे बोलते हुए रोड क्रॉस कर रहा है। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, लोकल हो गए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर वीडियो बनाते हुए आगे गया, और फिर मैं वापस जब लौट रहा था तो हुआ क्या कि उन्होंने मेरे ऊपर स्टोन्स मारे। वहाँ सीमेंट ब्रिक्स, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चला था, वहाँ सीमेंट ब्रिक्स पड़े हुए थे, उन्होंने वो सीमेंट ब्रिक्स मेरे ऊपर थ्रो करके मारा है। और गाइस आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मेरे बाइक का स्पीड था गाइस 140 km/h पे था। आप सोच सकते अगर कोई बंदा बस मेरे सामने पत्थर छोड़ भी देता ना, तो उस पत्थर का जो स्पीड रहता ना 142 km/h ही रहता। आप क्लियरली देख सकते हैं कि बंदा मुझे खींच के मार रहा है एकदम। मेरा लक में इतना फास्ट था कि मैं बहुत निकल गया, उन्होंने सही से मेज़र नहीं कर लिया, नहीं तो फिर मैं तो आज ख़त्म ही था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं आजमगढ़ में, पता नहीं क्या जलन है, फिर क्या दिक्कत है सबको। देख सकते हैं आप कितना क्लियरली बंदा मुझे स्टोन खींच के मार रहा है। तो ये भी एक ऐसा रिएक्शन है, मतलब ऐसे ही बंदे होते हैं जिनको पता नहीं वो रिएक्ट कैसे करें, तो वो आप पे अटैक कर देते हैं। अब बताइए इस अटैक का क्या मतलब है। देखिए आप स्टोन, ये बंदा सीमेंट ब्रिक लिया हुआ हाथ में, तो गाइस कर ही क्या सकते हैं इस लोगों के लिए। अब सबसे लड़ते चल नहीं सकते हैं, तो ये एरिया भी गाइस वैसा लड़ाई झगड़ा मारपीट रहती होती रहती है। मैंने उन चूतियों को देखा ही होगा क्या कर रहे थे, मुझ पर ईटा मार रहे थे। तो क्या किया जा सकता है, चले वो कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है, उनका जो भी करतूत था तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो यही सब गाइस कैमरा ऑन है ना। हाँ तो गाइस चलते हैं फिर। बताओ कितना गई ललस कार आलो स्पीड कुछ बता सकेला? अरे रालो 200 के ऊपर, 200 नहीं है, 144 रालो सा। कहिया आई ली वाली गड़िया? एक हफ्ता भले ले, कल खरीद ली हूँ। ठीक बा? नहीं। मस्त हो ना? फोटो खींची बा गाय पर? नहीं। खींची बा खिंचा ला, नहीं तो जाइए हम। हमारे घर बा तोरे घर रहे मर दवा, तू कहा था पहले। आओ बेटा खींची था फोटो, बेटा स्टैंड पर रहती गाड़ी बस। सही हो, मजा आओ तो फोटो खिंचा गल तुम्हार हो तो फोटो खिंचा तुम्हार तुम खिंची बा खिंची बात फोटो खिंचाए हम। चला बैठ जाता हूँ। ठीक हो? चला सही हो, खींच ला खींच। बढ़िया बाप गाड़ी सही हो। चला तुम तो फोटो खिंचा के लिए खिंचवा खिंचा खिंचाई हम बढ़िया बा बढ़िया हो। ये R15 कम पिए ले। अरे तो 44 भगावा थे, कल गाड़ी से निकल गए शोरूम से। ये 2,12,000 का। अच्छा ये 2,12 का हो, कई टाइम कई मॉडल आए लो ना। ये MID सा ना तो महंगा वाला 10,000। वो नीला यू कहो, लेकिन एमल 5 एडिशन आए लो, 5 मॉडल हो। अच्छा हाँ हो हाँ, अब तो अलग अलग प्लेन में। चला चला थी हम। अगार्थियन राइडर सर्च क्या बताएं, तो लोग फोटो आई देख लिया वही में फोटो आई।
ले आओ सर्च मार दिया हम। कहाँ करते हैं, कहाँ यूट्यूब पर? मेरा खुल रहा है नंबर एक गाड़ी है मजा आ रहा है। अरे भैया आवा था 100 कुछ स्पीड 80 स्पीड से चला होता है वो जैसे भैया इतना स्पीड गई ना वो जैसे जगह ले क्या आ गई 5 मिनट ना लगा ली अयो सब्सक्राइब कर नहीं कर ले बात लोग कर ले ये वीडियो तो लोगों कल आ जाएगी मैं चैनल पे यमार चैनल हो यमार गाड़ियों केटीएम तुम्हारे दोस्त गाड़ी ले लेंगे इतना केटीएम है पल्सर आ रहा है ब्लैक कलर का वही में देखो वीडियो समझ आ जाते हैं चली जाओ चला फिर चला दी और सब्सक्राइब ना करवा जाए हमके भाई चलो 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 भाई तो भाई लोग इन बच्चों ने मुझे जब मैं वीडियो बना रहा था तो उन्होंने मुझे हाथ मारा था तो मैं जब अपना वीडियो कम्प्लीट कर लिया होता हूँ तो इनसे मिलता हूँ और मिलने के बाद जब मैं इनसे निकलता हूँ अपने बंदे जहाँ होते हैं मेरा वेट कर रहे हैं मैं उनके लिए निकलता हूँ तो मैं थ्रॉटल में जा रहा था तभी अचानक एक बकरी जो है रोड क्रॉस कर रही थी तो मैं वहाँ जानवर है तो अपने स्पीड स्लो करता हूँ कभी वो स्लीप में सामने गए जब अपनी स्पीड स्लो करता हूँ तो मैं वहाँ से आराम से ही जाने लगता हूँ गए मुझे दिखता है कि वो बंदे जो स्टोन्स थ्रो कर चुके थे उन्होंने क्या किया रोड पे स्टोन्स को ट्रैप मतलब स्टोन्स को फैला कर रखा है थोड़ी दूरी पे ताकि मैं हाई स्पीड में आऊँ तो क्रैश हो जाऊँ और बंदा स्टोन फैलाने के बाद अब देख सकते हैं अपने दूसरी साइड खड़ा है और स्टोन को उसने दूसरी साइड फैला रखा है ताकि मैं हाई स्पीड उधर से ही निकलूँ और यहाँ गाय से मुझे गाली देता है मैं इससे रुक रहा होता हूँ बात करने के लिए क्योंकि मुझे गाली देता है और ये चार बंदे होते हैं तो मैं सोचा कि इनसे बात करने का मतलब ही नहीं है जो अनपढ़ जाहिल और उच्च गवार हों उनसे बात ना करें तो ही बेहतर है कोई इसका निर्णय कोई डिसीजन नहीं निकलने वाला वैसे आप देख सकते हैं कि जब मैं इनसे मिलकर निकलता हूँ आगे तो इन्होंने ये खुद यहाँ खड़े थे और उन्होंने स्टोन्स को यहाँ पे फैला के रखा हुआ है आप देख सकते हैं क्लियरली अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन्होंने स्टोन्स को यहाँ फैला के रखा ताकि मैं जाऊँ और हाई स्पीड तो यहाँ मैं क्रैश कर जाऊँ तो ये कैसे लोग हैं इनको मतलब पढ़ा लिखा है इन्होंने या नहीं पढ़ा लिखा ये अनपढ़ ही हैं गवारी हैं जर्सी की शक्ल जैसे हाल सब तो भाई लोग अब कर ही क्या सकते हैं लोगों से बच के रहना है अपना वीडियो बनाना है और फिर आप लोग को दिखाना है फिर चलते हैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टाटा बाय बाय।